भारतवर्ष में अगले दिनों बड़ी बड़ी क्रांतियाँ खड़ी होंगी और उनका किसी को नेतृत्व करना चाहिए। राजनीतिक क्रांति में प्रजातंत्र का ढांचा तो यही रहेगा, पर व्यक्ति ऐसे आएंगे जिनके के बारे में आपको शिकायत न करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि अगर गांधी जी रहे होते तो हिंदुस्तान का ये हाल क्या होता। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि जवाहरलाल हिंदुस्तान में रहे होते तो ये हालत क्या होती। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा आपको सरदार पटेल होते तो आज हमारे देश की हालत क्या होती, ये नहीं कहना पड़ेगा। ये राजनीतिक भी ढांचा हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा सुंदर बनेगा कि जिसको देख करके दुनिया ये कहे कि ऐसा ढांचा तो कहीं भी नहीं है, कि किसी भी देश में नहीं है। और क्या करना है, सारी की सारी कमजोरियाँ हमारी सामाजिक है। हम 2000 वर्ष तक गुलाम रहे, इस 2000 वर्ष गुलाम होने की वजह से इसलिए नहीं रहे कि हमारे पास सिपाही कम थे या सेना कम थी या हमारे पास लड़ने वाले कम थे या हमारे देश के ऊपर हमला करने वालों की तादाद ज़्यादा थी, नहीं ये बात है नहीं थी। केवल एक ही बात थी कि हमारा सामाजिक ढांचा इतना कमज़ोर था कि उसकी वजह से हम ज़्यादा होते हुए भी कमाने वालों से भी के बीते निकले और 2000 वर्ष तक गुलाम रहे। 2000 वर्ष तक कोई मुल्क गुलाम नहीं रहा है। जापान गुलाम हुआ, इटली गुलाम हुआ, जर्मनी गुलाम हुआ, कई को पिछले विश्व युद्धों में गुलाम होना पड़ा है, पर इतने लंबे समय तक 2000 वर्ष तक कौन गुलाम रहा है, कोई नहीं रहा है। तो क्या कारण था इसका, एक कारण था कि हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ बड़ी कमज़ोर थी। सामाजिकता की दृष्टि से हम बड़े छिन्न भिन्न थे अस्तित्व से। सामाजिक क्रांति होगी तो अभी सामाजिक क्रांति होगी। आप विश्वास रखिए, आप यकीन मानिए कि जिन कमज़ोरियों की वजह से हिंदुस्तान दुर्बल हुआ था वो सारी की सारी कमज़ोरियाँ दूर होकर के रहेंगी। हमारे यहाँ स्त्रियों को घूंघटों में पर्दों में बंद करके रखा जाता है, तो 70 करोड़ में से 35 करोड़ रह गए। 35 करोड़ तो ऐसे हैं जो एक तरीके से डिब्बे में चिड़िया जिस तरह बैठी रहती है, बकरी बाड़े में बंद बनी रहती है, ऐसी स्थिति है। ये क्रांति बदल जाएगी। स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के काम करेंगी और देश को उठाने में पूरा योगदान देंगी। ये क्रांति होगी हमारी सामाजिक क्रांति। और छुआछूत ये वंश की वजह से बड़े आदमी होते हैं, नहीं वंश की वजह से बड़े आदमी नहीं होंगे, ये क्रांति होगी। और वेश की वजह से महात्मा बनेंगे, नहीं वेश की वजह से महात्मा नहीं बनेंगे, इसकी भी एक क्रांति होगी। भिक्षा जो है व्यवसाय रहेगा, जैसे लोगों ने 60 करोड़ आदमियों ने व्यवसाय बना लिया है अपना और रंगीन कपड़े पहन लेते हैं, क्या कह लेते हैं, कोई ना कोई पाखंड खड़ा कर लेते हैं और लोगों को ठगते रहते हैं, अपना पेट भरते रहते हैं, ये स्थितियाँ रहेंगी नहीं। इसमें क्रांति होगी। हमारी जात वंश परंपरा में समानता आएगी, हमारी स्त्री और पुरुषों के बीच में समानता आएगी। हमारे देश में संत तो होंगे पर कोई यह आवश्यक नहीं है कि वो पेशेवर हों, भिक्षा व्यवसाय करें तभी हो। जैसे आप में से भी संत हो सकते हैं, आप में से भी महात्मा हो सकते हैं। और कौन सी क्रांतियाँ होंगी, समाचार पत्रों में क्रांति होगी, फिल्मों में क्रांति होगी, साहित्य में क्रांति होगी, शिक्षा में क्रांति होगी और मजदूरी में भी क्रांति होगी, बेरोजगारी में भी क्रांति होगी। आज तो बड़े बड़े मिल और बड़े बड़े उद्योग सारे का सारा पैसा अपनी जेब में रखे हुए हैं और लाखों आदमी करोड़ों आदमी बीमार पड़ रहे हैं। शिक्षा की भी, उसकी भी, उद्योग धंधों की भी ऐसी क्रांति होगी कि बड़े शहर कस्बों में बदल जाएंगे और गांव कस्बों में बदल जाएंगे, बीच की इकाई कस्बों के रूप में होगी। ये बातें हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, आप यकीन रखिए। मैं कहता तो हूँ आपसे, जो बहकाता हूँ आपको, नहीं बहकाता नहीं, जो मुझे प्रत्यक्ष आंख से दिखाई पड़ रहा है केवल उसी का जिक्र कर रहा हूँ आपसे, और कोई बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।